कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी कला एवं शिल्प की वर्कशीट हल करेंगे। कक्षा है 5, सप्ताह है 8, उपविषय है मेट्रो रेल का चित्र बनाना। तो देखिए बच्चों, आप सभी ने हमारे दिल्ली में मेट्रो रेल सभी ने देखी होगी, तो बच्चों इसी का हम चित्र बनाएंगे। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से पहले आपको अपने स्केल से इस तरह से बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आप सभी को बना लेना है। आ रहा है सभी को अच्छे से समझ में? इस तरह से आप सभी को बनाना है, ठीक है। फिर इसमें हमें इस तरह से गेट और खिड़कियां भी बनानी है, एक आगे बनानी है और एक पीछे की साइड बनानी है। इस तरह से इनमें हमें खिड़कियां बनानी हैं गेट के बाद, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये लाइन बनानी है, मेट्रो रेल का चिन्ह भी हमें बनाना है इस तरह से। और फिर इनके गाड़ी के जो रेल है इनके व्हील भी हमें बनाने हैं, पहिए जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों पीछे वाले जो बॉक्स है उसमें भी हमें इस तरह से ही बनाना है। इस तरह से विंडो हमें बनानी है और इसी तरह से गेट हमें बनाने हैं। तो बच्चों आप सभी ये स्केल की हेल्प से बनाइएगा ताकि स्ट्रेट ये बने, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा सब। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सभी को ये रेल मेट्रो रेल बनानी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रेखा चित्रकारी कोई एक, बच्चों कोई एक रेखा चित्रकारी आपको बनाना है। जैसे अलग अलग शेप्स आपको बनानी है, उसमें आपको स्केल से लाइन खींचनी है, या आप पत्तियाँ बना सकते हो, या फिर आप पेड़ का भी चित्र और सूरज का चित्र भी बना सकते हो। यहाँ आपको रेखा चित्रकारी पत्तियों की दी गई है, तो आप कोई भी एक यहाँ पर बनाइए। अगला है भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है हमारे हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इस उपलक्ष्य में देखिए आपसे क्या गतिविधि बोली गई है करने को, गणतंत्र दिवस पर एक पोस्टर बनाकर रंग भरिए। अब बच्चों हमारा गणतंत्र दिवस कब आता है बच्चों? 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो बच्चों इसके उपलक्ष्य में आप सभी को क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है और उसमें सभी को रंग भरना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। तो देखिए बच्चों, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि बच्चों जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती है। इसलिए बच्चों हमेशा हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। खाद्य रंग सफ़ेद, सफ़ेद रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए फूल गोभी, सफ़ेद प्याज, उड़द दाल, मूली आदि। पेय पदार्थ नींबू पानी। परिवार के साथ समय खेल टिपी टिपी टैप, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अपने माता पिता के बचपन या शादी की तस्वीरें देखें। दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अगला है बच्चों, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया आदि से बचने का एक ही उपाय, मच्छर पैदा ना होने दें। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि पानी जहाँ भी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छर होंगे, और मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पैदा हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, सप्ताह में एक बार कूलर को साफ करके सुखाइए, उसमें 1 बड़ा चम्मच टैमीफोस डीजल या पेट्रोल डालें। पानी की टंकियां वे होदियों के ढक्कन हमेशा बंद रखें। टूटे फूटे बर्तन, टायर इत्यादि खुले में ना रखें, इनमें बरसात का पानी भर सकता है और मच्छर पैदा होते हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। चिड़ियाओं के पानी के बर्तन, मनी प्लांट, फ्रिज की डिफ्रॉस्ट ट्रे, फेंगशुई पौधे का पानी इत्यादि प्रतिदिन 1 बार अवश्य बदलें।
तो बच्चों आप सभी की वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। आप सभी बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है बच्चों आप सभी को तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।